हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप अपने घरों में बिजली का उपयोग करते हैं, दोस्तों अगर आपके घर भी मीटर बैठा हुआ है, दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, अपना बिल को ऑनलाइन भरना चाहते हैं दोस्तों, या और साथ साथ ये भी बताऊँगा दोस्तों कि आपका बिजली बिल कितना है, कैसे चेक करेंगे और उसे अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ। कुछ ही स्टेपों में दोस्तों आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के मदद से आप अपना बिजली बिल को चेक कर पाएंगे और साथ साथ दोस्तों उसे भर भी पाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में कुछ पैसा भी आपको ऑफर के तौर पर यहाँ फ़ोन पे एप्लीकेशन में चलता रहता है, कभी कभी ऑफर आ जाता है तो वहाँ पर कुछ छूट भी मिल सकता है। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला दोस्तों किस प्रकार से आप अपने बिजली बिल को भरेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन होगा, उसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना और यहाँ देख सकते हैं रिचार्ज एंड पे बिल के नीचे ही आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर में आपको नजर आता होगा इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल इस पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला यहाँ फंड आ जाता है, तो आप जिस भी स्टेट से होंगे तो यहाँ पर सिंपल से आपको स्टेट टाइप करें। जैसे दोस्तों मैं झारखंड से हूँ तो यहाँ पर सिंपल से मैं झारखंड टाइप कर देता हूँ। जैसे झारखंड पर टाइप करता हूँ दोस्तों, झारखंड में जितने भी बिजली प्रोवाइडर हैं, संस्थाएं हैं, वो यहाँ पे आ चुका है। JBVNL हमारे राज्य में यहाँ बिजली देता है तो इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो आप अगर आपके राज्य में दो तीन होंगे तो यहाँ पे शो होता होगा, तो मेरे केस में दोस्तों एक ही है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास एक बिजली बिल होगा उसके ऊपर, या तो फिर आपके घर में मीटर बैठा होगा वहाँ पर उसके में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा। तो सिंपल से दोस्तों सबसे टॉप में आपको कंज्यूमर नंबर यहाँ पर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ। कंज्यूमर नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपको नज़र आता होगा सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट सब डिवीज़न नेम। सिंपल दोस्तों आप अपना सब डिवीज़न जो होता है उसे आपको चुन लेना। चलिए दोस्तों हमारा जो सब डिवीज़न यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ। चुनने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा सब डिवीज़न चुनने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको नीचे आपको कन्फर्म करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका बायोडाटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कस्टमर नाम आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर नाम आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर फी आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ 27,741 रुपया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आता होगा ड्यू डेट यहाँ पर 1 जून 2022 तक इसका 27,741 रुपया हो चुका है, इन्हें इतना पैसा पे करना पड़ेगा। आप दोस्तों आप यहां से यहां तक जो वीडियो था फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपका कितना पैसा है, कितना आपको बिजली बिल देना होगा, तो यहां आपको देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास डिटेल आ जाएगा कितना आपको बिजली बिल देना है, तो यहाँ से आपको पता कर जाएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ से डिटेल। डिटेल मिल जाने के बाद दोस्तों अगर आपके मन करे कि यहीं से ही मैं पे करना चाहता हूँ, ऑनलाइन ही करना चाहता हूँ, उसके लिए दोस्तों प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास सबसे पहले UPI पिन आएगा, आपका UPI पिन जो है उसे इंटर करने के बाद सिंपल से आपके अकाउंट से आपका जितना पैसा यहाँ शो हो रहा है वो कंप्लीट डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फोन पे एप्लीकेशन के मदद से आप अपने बिजली बिल को पे कर देंगे। उसके बाद एक रसीद जनरेट होगा वहाँ से, तो रसीद को आप जनरेट करके उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के मदद से अगर आप अपना बिजली बिल चेक करना चाहते हैं कितना है, तो सिंपल से दोस्तों आप कंज्यूमर नंबर से और साथ ही साथ दोस्तों आप सब डिवीज़न से आप डाल करके आप इजी वे में चेक कर पाएंगे कितना आपका बिजली बिल है। अगर पे करना चाहते हैं सिंपल से आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके ऊपर पिन डालिए, उसके बाद यहाँ से आप इजी वे में इसे पे कर सकते हैं। तो आशा कर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से किसी भी राज्य का किसी भी स्टेट का बिजली बिल को पे किया जाता है ऑनलाइन, वो भी फोन पे एप्लीकेशन से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।